सो भाई गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी इन डिफेंस शेयरों को लेकर। कोचिंग सीपीआर 4.5% टूट चुका और 5% का इसका लोअर सर्किट का लिमिट है, तो स्टॉक लगभग लोअर प्राइस पर गया हुआ है भाई, ठीक है, लोअर सर्किट लिमिट पर गया हुआ है। और 54% आप लोग देखोगे ये स्टॉक क्रैश हो गया है। गार्डन शिप बिल्डर्स की बात करें तो इसमें भी आप लोग देखोगे भी 4-5% करीब की गिरावट है अभी आज के दिन, 4% के करीब। और ये स्टॉक भी आप लोग देखोगे नॉन स्टॉप गिरावट में चल रहा है, ठीक है। 45% जो है अभी ये शेयर टूट चुका है। और उधर आप लोग देखोगे भी मझगांव डॉक 30% उस शेयर में भी गिरावट आ चुकी है। और आज फिर आप लोग देखोगे भारी भरकम फॉल हमें देखने को मिला है। और क्यों देखने को मिला है भाई, आप लोग देखोगे मार्केट की वजह से भी। और मार्केट में कल जो रिजल्ट्स आए थे कुछ एक कंपनियों के, वो खराब आए थे, जैसे इंडसइंड बैंक हो गया, ठीक है, एक दो कंपनियां और है जिनके ज़्यादा खराब आए थे, उनकी वजह से आप लोगों ने दबाव। उसके बाद आप लोग डिक्सन टेक्नोलॉजी देखो, रिजल्ट बहुत अच्छे आए कंपनी के, लेकिन गाइडेंस के चलते जो अभी वहाँ पर भी बड़ा जो अभी दबाव हमें देखने को मिल रहा है। और अभी देखो ओपनिंग उसके जो रिजल्ट की वजह से, रिजल्ट जो अच्छे आए थे उसकी वजह से जो शेयर है वो 5-6% गैप अप ओपन हुआ। डिक्सन टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा ओपन हुआ गैप अप, लेकिन उसके बाद जो अभी मार्केट में जैसे वो गाइडेंस वगैरह आया उसके बाद जो वो शेयर है वो बड़ी गिरावट में आ गए 10% के करीब। तो देखो 10-10, 15-15, 20-20% के बड़े शेयर टूटेंगे जहाँ से स्मॉल कैप मिड कैप ऑपरेट होते हैं। और उन्हीं कंपनियों के चलते आप लोग देखोगे स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों के ऊपर भारी भरकम दबाव और ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो निफ्टी आप लोग देखोगे, कल भी मैंने आपको ये समझाया था कि निफ्टी अभी कहीं पर भी सपोर्ट के ऊपर नहीं खड़ा है भाई। निफ्टी के अंदर जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है वो बड़ा बियरिश संकेत दे रहा है। टेक्निकली भी आप लोग देखोगे तो निफ्टी के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं अभी के टाइम 23,300 के आसपास तक, तो वहीं तक आप लोग देखोगे अभी जो निफ्टी है वो जा रहा है भाई। तो निफ्टी में बड़ी गिरावट हमें आज के दिन देखने को मिल रही है। सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जो ना भी बड़ी गिरावट में। और अब यहां पर आप लोग देखोगे ये जो सिर 54% टूट गए अपने हाई से 54%। और आप लोग देखोगे जो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जहां पर बड़ा गेम चला था वो कंपनी भी इतना ज़्यादा नहीं टूटी, लेकिन उसमें आप लोग देखो रिकवरी बनी, ठीक है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी आप लोग देखो 50% के करीब टूटने के बाद नीचे से रिकवरी लिया और आप लोग देखो 1200-1300 के भाव से 2000 के भाव में फिर से गया था भाई। तो क्या ये स्टॉक भी फिर से 2000 के आसपास जा सकता है? देखो भाई जा सकता है, बट उसके लिए आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो अब गिरावट में बेचने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक महंगे हो चुके थे, अब इनकी जो वैल्यूएशन है वो एडजस्टेबल हो चुकी है। अब जैसे ही मार्केट में कहीं पर भी आपको सपोर्ट वगैरह बनते हुए नजर आएगा, मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो इन शेयरों में फिर से जो भी वापसी होएगी। ऐसा नहीं कि कंपनियां खराब है, बिल्कुल भी खराब नहीं है, बट वैल्यूएशन के हिसाब से पीछे ये महंगी हो गई थी। और पूरा PSU सेक्टर ही आप लोगों ने देखा होगा ताबड़तोड़ रिटर्न्स दिए थे भाई, ठीक है। और जो यहाँ पर अब तक होल्ड करके बैठे हुए हैं, थोड़े बहुत और अगर नीचे में जाते हैं तो भी देखो बेचने की गलती मत करना, बेचने का टाइम बहुत पहले निकल गया आपका, बहुत पहले ऊपर में आपको स्टॉप लॉस वगैरह जो कुछ पकड़ के चलना था, अगर नहीं चले तो वो आपकी गलती है भाई। और अभी के टाइम जो ये शेयर है वो नॉन स्टॉप टूट रहे हैं, तो यहाँ पर अभी के टाइम तो देखो होल्ड करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। अगर मैं बात करूँ कोचिंग सीपीआर के वैल्यूएशन के ऊपर, तो ये देखोगे भी इसका जो पीई रेशियो है वो 42 के ऊपर आ गया है, अभी इंडस्ट्री पी से भी नीचे आ गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। RSI MFI आप लोग देखोगे ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं, बिल्कुल सही रेंज में आए हुए हैं। तो जब आप लोग देखोगे मार्केट में रिकवरी बनी गई, तो इन शेयरों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट जो रिकवरी इन शेयरों में हमें देखने को मिलेगी, सबसे फास्टेस्ट जो PSUs है उनमें देखिए ना आप लोग जब मार्केट में तेजी बनेगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट का। अगर GRSE की मैं बात करूं तो ये शेयर आप लोग देखो 22 अक्टूबर को भी ASM की फर्स्ट स्टेज में एक्टिव हो गए हैं, ठीक है, 22 अक्टूबर को हुआ था। और यहाँ से इस वजह से भी दबाव है शेयर के ऊपर, और आज जो ये शेयर है वो 4% के ऊपर में फिर टूटा है, 46 लगभग 46% के आसपास जो गिरावट है वो शेयर में हमें होते हुए नज़र आ रही है अभी के टाइम, ठीक है। और ये भी आप लोग देखोगे वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक थोड़ा महंगा भी, अभी भी 47 के PE पर ट्रेड कर रहा है, जो इसके इंडस्ट्री PE से भी हाई है अभी, ठीक है। RSI आप लोग देखोगे भी 40 पर है, और MFI 74 के आसपास ही अभी भी ओवरबोर्ड जोन में है। तो इस शेयर में अभी किसी भी प्रकार के SIP वगैरह स्टार्ट मत करना भाई, ठीक है। ये जो गार्डन शिप बिल्डर्स है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर अभी और दबाव हमें देखने को मिल सकता है इस शेयर के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहना। चलिए आप लोग इसके साथ साथ देखोगे भी 100 Day SMA जो है, सॉरी 30 Day SMA है, ठीक है, 50 Day SMA है, इन सभी के नीचे में भी ये शेयर अभी भी, ठीक है, 200 SMA हो गया, 100 हो गया, इन सभी के नीचे में ही अभी ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट का।
टेक्निकली देखा जाए तो ये स्टॉक भी आप लोगों को बड़ी गिरावट में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो सपोर्ट बना हुआ भी 3800 रुपये का बहुत अच्छा सपोर्ट है, 3800 रुपये के आसपास का अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखते हुए टूटता है नहीं टूटता है। अभी के टाइम तो आप लोगों ने कंपनी ने पीछे 1:2 में स्प्लिट भी अनाउंसमेंट किया है, 23 रुपये 19 पैसे का डिविडेंड भी जो ने अनाउंस किया हुआ है, जो कि कंपनी 30 तारीख की इसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह रखी हुई है। तो ये यहाँ से इम्पैक्ट डलेगा भी इन सबसे। 30% स्टॉक हालांकि क्रैश हो चुका, अभी और गिरावट बनती है तो ये शेयर जो अभी SIP के तौर पर सही है या फिर नहीं है वो आप लोग देखोगे। इंडस्ट्री पी से आप लोग देखो नीचे आया हुआ है, 35 के पी पर ट्रेड कर रहा है। RSI MFI भी इसके ठीक ठाक है भाई। तो यहाँ से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ SIP करना भाई। हर गिरावट में हर 5, ऐसा नहीं कि 1-2% टूटा घुस गए, नहीं, हर 5 से 10% की गिरावट के बीच में आपको एक SIP करनी है, चाहे एक एक ही शेयर क्यों ना खरीदना पड़े भाई। अब यहाँ से बोल रहा हूँ करंट टाइम से, दूसरे पे कोचिंग से प्यार है, उसमें भी अगर आप लोग SIP करना चाहो एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, 1 से 2 साल के लिए अगर आपका नज़रिया है तो ही करना। अगर आप चाहते हो कि भी आज खरीद ले, 1 महीने बाद जो ये स्टॉक डबल हो जाएंगे बेच देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या पता अभी 1 महीने में थोड़ा बहुत और डाउन चला जाइए, इसलिए अभी कुछ भी नहीं कह सकते मार्केट को लेकर। हाँ, लॉन्ग टर्म विजन वाले हैं उनके लिए SIP का दौर सही है भाई। तो ये टोटल अपडेट्स है। GRC से अभी थोड़ा सा जो ना अभी दूरी बनाए रखना, अभी वैल्यूएशन के हिसाब से वो स्टॉक थोड़ा महंगा लग रहा है अभी, और जैसे ये एडजस्टेबल वैल्यू पर आएंगे तो बहुत अच्छा जो ना अभी इनमें मूव आएगा जब मार्केट में तेजी बनेगी। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। आगे कंपनियों के इनके रिजल्ट्स भी बाकी अभी अभी, लेकिन जिस प्रकार से कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी यहाँ पर क्या ही उम्मीद की जाए। हालांकि डिक्सन टेक्नोलॉजी वो एक डिफेंस सेक्टर से भी बिलोंग करती है, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं कंपनी के, बहुत अच्छे आए हैं। तो इनसे पता नहीं कैसे क्या उम्मीद है, वो तो आएंगे तभी पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।